हेलो दोस्तों, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मतलब फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में इंटरप्रेटर की जॉब आई है और इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कितनी सीट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन किस तरह से होना है। एप्लीकेशन आपको फिल करने के बाद इसमें आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म मिलने के आप फिल करेंगे और उसके बाद उसको स्कैन करके आपको ईमेल के थ्रू फॉर्म को सेंड करना है पार्टिकुलर ईमेल पे। तो पूरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी की 2 सीट है, एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 4 है, यूआर जनरल की 5 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 1 सीट है और टोटल जो है वो 12 सीट्स हैं। इसमें भी आप सेक्शन देख सकते हैं कि 7 सीट जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी स्ट्रीम इंटरप्रेटर्स की, इंग्लिश इंटू हिंदी एंड हिंदी इंटू इंग्लिश में 7 सीट है। इसी के साथ 5 सीट जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए हैं, उसमें है डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली एंड सिंधी। इन सारे के लिए 5 सीट रिजर्व कर दी गई हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर इंग्लिश हिंदी इंटरप्रेटर, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ मीडियम ऑफ हिंदी लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल। एक तो या तो ये होना चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर डिग्री इन हिंदी विद मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अप टू डिग्री लेवल। इन दोनों में से कोई एक भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली क्राइटेरिया आपका ये है। डिज़ायरेबल जो वो कैंडिडेट ज़्यादा, मतलब इसमें किस तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत है, अगर आपके पास नंबर एक एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन वर्क, या तो आपके पास ट्रांसलेशन का और इंटरप्रेटर का एक्सपीरियंस हो एक। दूसरा, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्सेज रिकॉग्नाइज बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोर्सेज इक्विवेलेंट टू ओ लेवल इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज एज प्रिस्क्राइब बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इसी के साथ अगर आपके पास ये सारी और सर्टिफिकेट हैं तो उन कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा। अपर एज लिमिट है इसके लिए 27, इंग्लिश और हिंदी इंटरप्रेटर के लिए 27 अपर एज लिमिट है, यानी कि 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रीजनल लैंग्वेजेस की क्वालिफिकेशन ये है कि मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश और एनी अदर डिसिप्लिन विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो या तो आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर किसी एक डिसिप्लिन में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसमें होना चाहिए विद रीजनल लैंग्वेज कंसर्न अप टू डिग्री लेवल। और जिस लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं रीजनल लैंग्वेज में, उसी में डिग्री लेवल की आपकी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और डिज़ायरेबल किनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, तो वो सेम है जैसा कि ऊपर में मैंने बताया वो सारी चीज़ें कि आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट और होना चाहिए, उनको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। यहाँ पर अपर एज लिमिट है 35 ईयर। तो आप अगर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो 35 ईयर तक के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जो क्लेम करेंगे कि किस तरह से आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड यहाँ पे द क्लेम ऑफ एप्लीकेंट्स इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म विद रिगार्ड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू डिग्री लेवल फॉर हिंदी इंग्लिश हिंदी स्ट्रीम इंटरप्रेटर एंड इन मास्टर डिग्री फॉर रीजनल लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन फर्निशिंग ऑफ सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्राम द रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी और प्रिंसिपल। तो उसकी जो है स्कैन कॉपी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम या फिर प्रिंसिपल से, यूनिवर्सिटी या फिर प्रिंसिपल कॉलेज से अगर आप हैं तो उसका चाहिए। इन केस ऑफ बैचलर और मास्टर डिग्री एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और एनी अदर कंपिटेंट ऑफिसर ऑफ दी बोर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इन क्लास 10 एंड 12th। तो ये आप वो डिग्री जो है आपकी वो किस हिसाब से होगी, किसकी आपका सिग्नेचर चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका पूरी तरह से ऑथेंटिक होना चाहिए। इन केस सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ द रिक्विजिट सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड बाई एप्लीकेंट हिज हर एप्लीकेशन शेल बी समरली रिजेक्टेड। अगर इस तरह की सेल्फ से स्कैन करके और फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी नहीं होगी तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसका आप ध्यान रखें। देख सकते हैं कि सिलेक्शन में सबसे पहले सिलेक्शन आपके जो स्टेजेस हैं, आपका सबसे पहले
ओरेशन टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट की पूरी डिटेल है यहाँ पे, फॉरेन लैंग्वेज के लिए सॉरी रीजनल लैंग्वेजेस के लिए अलग है और हिंदी इंग्लिश के लिए अलग है। उसके बाद आपका जब ये हो जाएगा रिटेन टेस्ट में आप क्रॉस कर जाएंगे तो साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट होगा, और इंटरप्रिटेशन टेस्ट होने के बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सारे स्टेजेस हैं जिसमें आपको क्रॉस करना है। ओरेशन टेस्ट जो है वो आपका 200 नंबर का होगा। ड्यूरिंग ओरेशन टेस्ट आपको क्या करना है, ड्यूरिंग ओरेशन टेस्ट अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर विल बी रिक्वायर्ड टू स्पीक एक्सटेम्पोर। आपको वहीं पे टॉपिक दिए जाएंगे, उसे आपको वहाँ पे बोलना होगा एक्सटेम्पोर इन इंग्लिश फॉर 3 मिनट्स ऑन एनी वन ऑफ द 7 टॉपिक गिवेन टू हर हर हिम। यानी उसको जो 7 टॉपिक दिए जाएंगे उनमें 3 मिनट आपको इंग्लिश में बोलना होगा रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। ये इस तरह के आपको ओरेशन टेस्ट होगा। अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी इंटरप्रेटर विल हाउ एवर बी रिक्वायर्ड टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 3 मिनट्स इन हिंदी ऑन एनी वन ऑफ द 7 टॉपिक्स इन इंग्लिश एंड 7 टॉपिक्स इन हिंदी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी में 7 7 अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें आपको 3 मिनट इंग्लिश में बोलना होगा और 3 मिनट हिंदी में आपको बोलना होगा। तो ये आपका इस तरह का ओरेशन टेस्ट होगा। उसी के बेस पे जब आपका इसमें आपका क्या क्या देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव टू एक्सेस फ्लुएंसी लैंग्वेज कॉन्टेंट स्टाइल प्रोनंसिएशन एक्सेंट मटेरियल कॉन्टेंट एंड वॉइस ऑफ कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें इसमें चेक की जाएंगी। इसी के साथ जब आप रिटेन के लिए उसके बाद आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको रिटेन के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटेन में फॉर रीजनल लैंग्वेजेस उनके लिए 50 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ईच ऑन जनरल नॉलेज करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपका जनरल इंग्लिश वगैरह भी, उसके बाद जनरल रीजनल लैंग्वेज कंसर्न, तो जिस लैंग्वेज से आप कर रहे हैं उसके बारे में लैंग्वेज के बारे में भी आपका पूछा जाएगा। ये टोटल 150 मार्क का होगा और 75 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे। और इसी के साथ दूसरा आपका यह होगा कि ट्रांसलेशन फ्रॉम कंसर्न लैंग्वेज टू इंग्लिश विच विल बी ऑफ 200 मार्क्स 1 घंटा। तो 1 घंटा आपको मिलेगा, 200 मार्क्स के ये होंगे कि आपको कंसर्न लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेजेस है उससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश हिंदी के लिए ओरेशन टेस्ट में कामयाब हो चुके हैं तो उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह आपको दिए जाएंगे। उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से क्वेश्चन आएंगे। 150 मार्क्स के होंगे, 75 मिनट्स उसके लिए दिया जाएगा। उसी के साथ जो दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी 100 मार्क्स का होगा एंड हिंदी टू इंग्लिश ये भी 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। के बारे में है कि किस तरह से इसका और सिलेक्शन होगा ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें आप अगर क्वालिफाई कर लेंगे रिटन टेस्ट में तो उसके बाद साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट होगा रीजनल लैंग्वेज के लिए फ्रॉम अ कंसर्न लैंग्वेज टू इंग्लिश 10 मिनट्स विच विल बी 200 मार्क्स। तो 200 मार्क्स का यहाँ पे भी आपका दिया जाएगा। उसी वक्त आपको टॉपिक दिया जाएगा और आपको उसी में अपने उसके जो आपका एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दिखानी होगी। उसमें ये 10 मिनट मिलेगा, 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश एंड हिंदी इंटरप्रेटर को यहाँ पे जो मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी 5 मिनट के लिए मिलेगा, 100 मार्क्स का होगा, और फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 5 मिनट ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो इसको आप ध्यान रखें। 5 स्पेसिफिक पैरामीटर पे आपका सिलेक्शन इसमें भी किया जाएगा, कवरेज, एक्यूरेसी, स्टाइल, डिक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, वॉइस, प्रोनंसिएशन एंड एक्सेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन टेस्ट एट द रिक्विजिट स्टैंडर्ड विल बी अलाउड टू अपीयर इन अ पर्सनल इंटरव्यू। तो एक स्टैंडर्ड है, उसमें भी आपको देखा जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड किस तरह से आप उन सारी चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से फिर आपका इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू में 50 मार्क्स के होंगे। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई द पर्सनल इंटरव्यू एट द रिक्विजिट स्टैंडर्ड। और पर्सनल यहाँ पे भी आपका एक स्टैंडर्ड है, उस लेवल को ही आपको क्रॉस करना होगा। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरी अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दियर कैटेगरी फॉर द क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एंड अ पर्सनल इंटरव्यू
और इन एज विल नॉट बी इंटाइटल टू ऑक्यूपाई योर वैकेंसी। अगर आप क्या रैंक ज़्यादा आ जाता है तो आप ये जनरल की कैटेगरी में जो सीट्स हैं उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे। एस सी एस टी ओ बी सी को ये क्लियरली लिखा जा रहा है कि वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन फॉर द इंग्लिश हिंदी स्ट्रीम विल बी हेल्ड एट डेल्ही, डोगरी एट जम्मू, कश्मीरी एट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, कोंकणी एट पंजी गोवा, संथाली एट रांची झारखंड एंड सिंधी एट अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में। ये सारे सेंटर हैं और मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये सारे सेंटर हैं रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से। और हिंदी इंग्लिश का जो होगा वो दिल्ली होगा। हाउ टू अप्लाई, फॉर्म मिलने के बाद आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड ईमेल द सेम ऑन द ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस है, इस पर आपको अपने स्कैन फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वगैरह उसका स्कैन करके इस ईमेल पे आपको भेज देना है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन 18/8/2020, 18/8/2020 तक आप अपना फॉर्म भेज सकते हैं, तो इस बात का ध्यान है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कट ऑफ परसेंटेज, एज ऑफ मार्क्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं, 50, 45 एंड 40। यू आर एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ओ बी सी एस सी एस टी का, इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज, एज ऑफ मार्क्स वगैरह भी दिया हुआ है। ये नीचे उसी के साथ फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल कर लेना है। इसी के साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा कर स्कैन करके आपको ई मेल कर देना है 18/8/2020 से पहले पहले, ताकि आपका फॉर्म पहले ही पहुँच जाए और आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर वेबसाइट पे, लोकसभा की वेबसाइट पे जाकर इसे चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।